हेलो एवरीवन, मैं हूं जेसन रवि और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। हम आज रिव्यू करने वाले हैं आयुष्मान खुराना की फिल्म एन एक्शन हीरो का ट्रेलर। आपको बता दें, ये फिल्म 2 दिसंबर 2022 को थिएटर्स में रिलीज होगी। आयुष्मान खुराना कमाल की फिल्म की सिलेक्शंस के लिए जाने जाते हैं, जैसे विकी डोनर, बधाई हो और अंधाधुन। इस बार उन्होंने कुछ अलग ही किया है। ट्रेलर स्टार्ट होता है आयुष्मान की कार जिसमें वो आंख बंद करके रेस्ट कर रहे हैं और एकदम से कोई उनकी गाड़ी को स्मैश करता है, तो ये दर्शाता है कि इस फिल्म में कमाल की शॉक वैल्यू होने वाली है। फिल्म की स्टोरी आधारित है आयुष्मान खुराना पर, जो कि इस फिल्म में एक एक्शन फिल्म स्टार का रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म विक्की के कातिल की कहानी पर रिवॉल्व होती है। वो शख्स जो लास्ट फिल्म सेट पर आयुष्मान से मिलने आया होता है, और उसका भाई जयदीप अलावत है जो अपने भाई के कातिल को आयुष्मान समझ रहा है। जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है, ये समझ आता है कि आयुष्मान दो लाइफ जी रहा है, एक स्क्रीन पर और दूसरा असल जिंदगी में, जिसमें शायद वो सीरियल किलर है, जहां उसका पिछला किल विकी था, जिसका भाई जयदीप अलावत शायद उसे स्पॉट कर लेता है। तो विकी कैसे मर गया? आयुष्मान ये सब झमेले से बचने के लिए यूके चला जाता है, पर जयदीप अलावत वहां भी पहुंच जाता है और हमें थोड़ा एक्शन कॉमेडी देखने को मिलती है। याद आ रही थी तेरी, हमें साले सुबह मिले तो थे, सुबह का तो सारा टाइम जान पहचान में निकल गया ना। टीजर के आखिर में हमें एक और कैरेक्टर भी दिखता है, कादर, जो आयुष्मान के पीछे पड़ा है, पर उसके डिटेल नहीं दिए गए हैं सस्पेंस रखने के लिए। ट्रेलर से ऐसा लगता है कि आयुष्मान ने कत्ल नहीं किया है, या अगर किया है तो उसे वो याद नहीं है, या फिर वो सब कुछ जानते हुए भी छुपा रहा है। आखिर क्या सच है, वो सस्पेंस है। फिल्म में एक्शन अच्छा होने वाला है, मगर आयुष्मान का एक भी अच्छा कड़क एक्शन सीक्वेंस ट्रेलर में होता तो वो फिल्म का टाइटल एन एक्शन हीरो जस्टिफाई करता। अभी मामला कैट एंड माउस का ज्यादा लग रहा है। आयुष्मान ने इस फिल्म में असल में क्या किया है, वो तो आपको फिल्म देखकर ही समझ आएगा। हीरोइन के नाम पे कोई नहीं है, बस एक आइटम सॉन्ग है जिसमें मलाइका अरोड़ा डांस कर रही है, जो ठीक ठाक है। एडिटिंग काफी शार्प लग रही है और शॉट्स भी अच्छे हैं, तो पिक्चर ग्रिपिंग होने के चांस ज्यादा है। जयदीप अलावत अपने रोल में चमकते हैं और उनकी डायलॉग डिलीवरी और एक्सेंट सुपर्ब है। इस पीसीआर में तू चांद पर जागा और उसने सीट खिलाओ। फिल्म को राइट और डायरेक्ट किया है डेबिटेंट डायरेक्टर अनिरुद्ध अय्यर ने, वी विश हिम ऑल द बेस्ट। फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है नीरज यादव ने। फिल्म को प्रोड्यूस किया है टी सीरीज और आनंद राय की कलर येलो फिल्म्स ने। डेब्यू डायरेक्टर्स की अधिकतर पहली फिल्म बहुत अच्छी होती है, तो मुझे पूरी उम्मीदें हैं। मुझे फिल्म का ट्रेलर भी काफी पसंद आया है। आपको कैसा लगा ये ट्रेलर और रिव्यू, नीचे कमेंट में प्लीज बताना। सो ये रहा फिल्म एन एक्शन हीरो के ट्रेलर का रिव्यू। हमें सपोर्ट करें बाय स्मैशिंग द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, और शेयर करें अपने आयुष्मान के फैन दोस्तों के साथ। और अभी के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूँ। टिल नेक्स्ट रिव्यू, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।